यार बोर्ड में बचे हैं सिर्फ 10 दिन, क्या अच्छे से रिवीजन में कर पाऊंगी? क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि 10 दिन में रिवीजन ठीक से हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो बिल्कुल हो सकता है 10 दिन में रिवीजन, तो आप ये मत सोचे कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइडिया, आज ना मैं पूरे 10 घंटे पढ़ती हूँ बैठ के, ताकि सारा रिवीजन हो जाए बढ़िया तरीके से। अच्छा आइडिया है। अरे अरे अरे, ये क्या बोल रही है, लगातार 10 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। हाँ, लेकिन ऐसे जरूर पढ़ सकते हो कि 2 घंटा अभी पढ़े, 1 घंटा ब्रेक लिया, 3 घंटा बाद में पढ़े, लेकिन लगातार 10 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता। और ये गलती भी मत कर देना। एक काम करती हूँ, आज सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ, कल एक पढ़ती हूँ, ऐसे ऐसे करके ना 10 दिन तक आराम से मैं रिविजन शायद कर पाऊंगी 10 घंटे पढ़ के। ये लो एक और गलती कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ूंगी। नहीं भाई, ये नहीं करना है आपको। बोर्ड से 10 दिन पहले जब आपके पास समय है तो हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे उससे 1 दिन पहले वही पढ़ना है। तो अभी समय है तो सारे सब्जेक्ट का रिविजन करो, एक के पीछे नहीं पढ़ना है तो सारे सब्जेक्ट का रिविजन करना है। सिर्फ साइंस और मैथ्स से तो इम्पोर्टेंट है टॉप करने के लिए, ये 2 पढ़ लेती हूँ, अच्छे नंबर होके पास हो जाऊंगी। हाँ ठीक है। अरे अरे, क्या बोल रही है लड़की, कि सिर्फ साइंस और मैथ पढ़ के पास हो जाऊंगी? नहीं भाई, पास नहीं होना सबसे पहली चीज, और सिर्फ टॉप करना है तुम्हें, सिर्फ पास नहीं होना है, पास हो कोई भी हो जाएगा। और सिर्फ साइंस और मैथ से आप सोच रहे हो कि क्लास 10th में पास भी हो जाऊं तो तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज, टॉप करना है तुम लोगों को तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और टॉप करना है। अरे अभी तो बहुत टाइम है, काम करती हूँ थोड़ा ना, 2 मिनट के लिए थोड़ा कोई गेम या गाने सुनती हूँ आराम से, फिर पढ़ती हूँ। लो एक और नई बात, 2 मिनट बाद भाई, जब तक बोर्ड एग्जाम है जब तक फोन की जरूरत नहीं है तो फोन को दूर रखो। जब आप पढ़ रहे हो, अपनी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं तो बिल्कुल आप फोन को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फोन को ऑफ करके रख दें। और ये 2 मिनट ना आपको किस दिन डुबा देगी, तो ये 2 मिनट ना एग्जाम टाइम तक थोड़ा दूर रखो, ठीक है? तो जो करना है, जो पढ़ना है, वो अभी पढ़ना है। आपके मन में भी ये सवाल होंगे ना, तो मुझे पता था, देखो आपके मन में सवाल होंगे इसलिए तो मैं ये वीडियो लाई थी। तो ऐसे ही और सवालों के आंसर मिलेंगे आपको आने वाली वीडियो में।